हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकी। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, अर्थशास्त्र पर, मतलब इकोनॉमिक्स पर। क्या है? और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू हम बताने जा रहे हैं। तो गाइस, ये बीए के जो थ्योरी एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम होने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम, या कह सकते हैं मिड टर्म, सेमेस्टर और मिड टर्म दोनों एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसके बगल में बेल आइकन का बटन आएगा, और उसे ऑल नोटिफिकेशन करिएगा दबाकर, ताकि आने वाले वीडियो का, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे वीडियो में क्या दिया है गाइस, कि हमारे वीडियो में दिया गया है कि किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक योगफल पैदा करता है। ठीक है, तो जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यह देश उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय है। क्या है? वास्तविक उस देश की शुद्ध आय है। ठीक है, तो देश का राजस्व, राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय आय की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो हमें बताना है कि ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है, प्रोफेसर एज मार्शल के द्वारा। तो हम मार्शल भी अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप आँख मूंद कर उस पर मार्शल टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, मार्शल टिक करके आएंगे, या तो प्रोफेसर मार्स एज वर्ष मार्शल भी दिया रहेगा, तो आप उस घबराना नहीं है, आपको मार्शल पर टिक करके आ जाना है। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या दिया गया हमारा, कि राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग जो मुद्रा में मापा जाता है, ठीक है, मापा जा सकता है, इसमें विदेशी से प्राप्त आय में सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय उपयुक्त परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो किसकी है? पीगो की है। किसके है? ऑप्शन नंबर सी, पीगो की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा दिया गया है कि यदि क्या दिया है, सॉरी ऊपर दिया गया है कि बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक, ठीक है, अंतिम में बिक्री और जो अंतिम स्टॉक, मतलब अंतिम में जो हमारा सामान बचा है, और माइनस किसे करेंगे, आरंभिक, मतलब जो प्रारंभ हमारा आरंभिक स्टॉक है, जो प्रारंभ में हमारा सामान है, और जो मध्यवर्ती लागतें हैं, मतलब उसके पीछे जो हमारी लागतें हुई हैं, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बिक्री प्लस अंतिम आय माइनस आरंभिक आय माइनस मध्यवर्ती लागतें बराबर क्या होता है? सकल मूल्य वृद्धि होता है। सकल मूल्य वृद्धि का मतलब उसमें जो कुल लागत है उससे जो लाभ मिलता है उसे सकल मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सकल मूल्य वृद्धि पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्पादन के, उत्पादन मूल्य के लिए सही अभिव्यक्ति क्या होगी? तो उत्पादन मूल्य के लिए सही अभिव्यक्ति क्या होगी? बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक आय, बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक आय, यही टिक करके आएंगे। बिक्री प्लस प्रारंभिक आय माइनस बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक फिर आरंभिक आय, प्रारंभिक आय, तो यही टिक कर कहेंगे, यही क्रम होगा हमारा। क्या होगा? बिक्री, अंतिम आय और प्रारंभिक स्टॉक, ये जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न का अवलोकन कीजिए। तो हमें निम्न में से किसका अवलोकन करना है? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, परिचालन अवधि से स्वरोजगार में नियुक्त की मिश्रित आय साधन लागत पर जीडीपी, जीडीपी का मूल्य जीडीपी दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, उपयुक्त में से कौन सी घरेलू साधन आय सम्मिलित होती है? तो हमें क्या बताना, एक दो तीन, क्या है? एक दो तीन, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, परिचालन अधिवेश, स्वयं का रोजगार नियुक्ति, मतलब जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में आता है, मतलब तृतीय चरण में आता है। तो गाइस, इस वीडियो का मतलब है कि, मतलब कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स वाले भी उसे, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस, वो वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को सभी जगह शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? अमौद्रिक उपभोग है। क्या है? अमौद्रिक उपभोग।
ठीक है, सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? अमौद्रिक उपभोग। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप क्या लगा कर आएंगे? ऑप्शन नंबर ए 1949 में हुई थी, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? भारत है। क्या है? सबसे भारत है, मतलब निम्न देशों में से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा है? भारत है। तो हमारे भारत की जो आय है, मतलब इकोनॉमिक्स है, वो सबसे कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्न में से कौन सी एक समस्या नहीं है? कौन सी एक समस्या नहीं है? भारत में कालाधन की विशाल मात्रा, ठीक है, मतलब काला धन की विशाल मात्रा, ये क्या है? भारत में समस्या, ये भारत की समस्या नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? माइक्रो शब्द से हुई, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माइक्रो से हुई, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के कौन से प्रकार हैं? उपयुक्त सभी हैं। क्या है? उपयुक्त सभी। स्थैतिक समष्टि अर्थशास्त्र, तुलनात्मक स्थैतिक समष्टि अर्थशास्त्र और प्रावेगिक समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये ऑप्शन नंबर तीनों सही, तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है? तो विशेषताएं क्या दिया है, अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम समझने में सहायक, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, आर्थिक नियोजन में सहायक। तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, क्या करता है? कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल निवेश, मतलब उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर सोलजे का है। किसका है? प्रोफेसर सोलजे, ऑप्शन नंबर ए ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई, मतलब MACRO की शब्द की उत्पत्ति है मिक्रो शब्द से हुई, किसको शब्द से हुई? मिक्रो शब्द से हुई, MICROS मिक्रो शब्द से हुई, ठीक है। तो ए की आई की जगह ए आ गया और के जगह क्या आ गया? सी आ गया। तो क्या हो गया? MICROS मैक्रो शब्द से हुई। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्थिक अध्ययन के क्षेत्र में सूक्ष्म एवं व्यापक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, किसने किया या किस अर्थशास्त्री ने किया? रेगनर फ्रिस ने किया। किसने? रेगनर फ्रिस ने, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक व्यापक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? माल्थस हैं। कौन है? माल्थस हैं, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक अर्थशास्त्र, जो आधुनिक में अर्थशास्त्र चल रहा है उसके जन्मदाता मतलब लेखक कौन है? माल्थस हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों में आर्थिक सुपरिभाषित समूहों के आर्थिक कार्यों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? किसका है? हेंडर्स, क्या दिया है? हेंडरसन क्वांट। किसका है? हेंडरसन क्वांट का है, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अध्ययन किस अर्थशास्त्री ने किया? डाब अर्थशास्त्री ने किया। किसने किया? डाब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, व्यापक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? समूहों का अध्ययन करता है, ठीक है, इकट्ठा होने का मतलब समूह का, एक क्राउड का अध्ययन करता है, समूहों का अध्ययन करता है व्यापक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य तंत्र है, यह कथन किसका है? सोल्ज का है। किसका है? मूल सिद्धांत सूक्ष्म अर्थशास्त्र मुख्य तंत्र सोल्ज का यह सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को कुशों की अर्थव्यवस्था का किस अर्थशास्त्री ने संबोधित मतलब सम्मान दिया था? प्रोफेसर मेहता ने। किसने? प्रोफेसर मेहता ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
व्यष्टिगत मतलब व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कोषों की अर्थव्यवस्था का किस अर्थशास्त्र प्रोफेसर मेहता ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी टिकर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगनर फिश ने सूक्ष्म एवं व्यापक शब्द का उपयोग किस सन में या किस समय किया, 1933 ईस्वी में किया, किसमें किया, 1933 ने किसको किया, रेगनर फिश ने सूक्ष्म एवं व्यापक शब्द का उपयोग 1933 में किया, किसमें किया, इकोनॉमिक्स में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किन्स हैं, प्रोफेसर कौन से हैं, कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर किन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम गाइस, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को विकसित करने का प्रारंभिक श्रेय किसे जाता है, मतलब उसे पहला श्रेय किसे जाता है, प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है, किसे जाता है, प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, ये मतलब किससे है, किस शब्द से है, तो साधनों के आवंटन की कुशलता से, साधनों की आवंटन कुशलता, ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध साधनों की आवंटन कुशलता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया, समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो प्रणाली का महासमूहों एवं औसतों का अध्ययन करता है, यह कथन किस प्रोफेसर का या किसने कहा या किसका है, तो प्रोफेसर बोल्डिंग का है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, प्रोफेसर बोल्डिंग ऑप्शन नंबर सी ठीक करके आएंगे, राइट आंसर क्लिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का विहद रूप से अध्ययन करता है, यह कथन किस प्रोफेसर का है, प्रोफेसर एक्ले का है, किसका है, प्रोफेसर एक्ले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम स्थैतिक एवं प्रावेगिक शब्दों का उपयोग किसके द्वारा किया गया, जे बी विशेष के द्वारा, एस सी पिंगू के द्वारा, किन्स जेस मिल के द्वारा, किसके द्वारा, एस सी पिंगू के द्वारा किया गया था, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम स्थैतिक एवं प्रावेगिक शब्दों का उपयोग प्रोफेसर एस सी पिंगू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, हमारा व्यापक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा दोष क्या है, या व्यापक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि पहला में देखिए, ऑप्शन नंबर पहला होगा, समग्रामात्मक चल की संरचना का ज्ञान न होने से भावात्मक निष्कर्ष निकलते हैं, क्या निकलते हैं, भावात्मक निष्कर्ष निकलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे, किसका, व्यापक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा दोष क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यष्टिपरक विश्लेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं, व्यष्टिपरक विश्लेषण को कीमत सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, निम्न में से कौन सूक्ष्म विश्लेषण का अंग है, क्या है, मजदूरी का दर निर्धारण, मतलब मजदूरी का पैसा, मजदूरी का आय निर्धारण करना, निम्न में से सूक्ष्म विश्लेषण का अंग क्या है, मजदूरी का दर निर्धारण करना यानी रेट निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, व्यापक अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यष्टिपरक विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, मतलब औजार क्या है, सीमांत विश्लेषण है, क्या है, सीमांत विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी, व्यष्टि विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण सीमांत विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विश्लेषण के लिए वर्तमान में अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, ए तथा बी दोनों भागों में बांटा गया है, ए माइक्रो मतलब सूक्ष्म और माइक्रो मतलब मिक्रो मतलब सूक्ष्म और माइक्रो मतलब व्यापक होता है, ठीक है, सूक्ष्म व्यापक का दोनों, ए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समष्टि मतलब माइक्रो अर्थशास्त्र को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, प्रोफेसर किन्स को जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर किन्स को जाता है, या में सी आर ओ का अर्थशास्त्र विकसित करने का श्रेय किन्स को जाता है, तो मीनिंग मतलब वर्ड में ध्यान दे, उसमें सूक्ष्म में आई रहेगा और किसमें व्यापक में ए रहेगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या दिया, समष्टिगत अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का विहद रूप से अध्ययन करता है, यह किसने किया था, मतलब किस अर्थशास्त्री ने कहा था,
तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, के ई बोल्डिंग ने किया कहा था, प्रोफेसर के ई बोल्डिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी के पुस्तक के लेखक कौन है? लेक्चर ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी के पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जे के ए मेहता है। कौन है? प्रोफेसर जे के मेहता। ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जे के ए मेहता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? वाई बराबर सी प्लस एल प्लस डेल्टा वन मापक है किसका है? उपयुक्त सभी का है। ऑप्शन नंबर डी, डी में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में तुलनात्मक समिष्टि स्थैतिक में साम्य है, समिष्टि स्थैतिक ए तथा बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस एंड मनी केस की यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? किस सन में प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी में। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक कर लीजिएगा, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक समिष्टि व भाव के प्रकार हैं क्या है? उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट सभी में क्या स्थैतिकी है, तुलनात्मक, व्यापक स्थैतिकी, प्रावैगिक हैं। उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी किसके हैं? आर्थिक समिष्टि विभाव के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रावैगिक विधि का विकास किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? उपयुक्त तो सभी राबस्टन के द्वारा, हिस्ट के द्वारा, टीन वर्जन के द्वारा, मतलब तीनों के द्वारा। तो तीनों आ गए तो तीनों को टिक नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का, सरकारें निश्चय ही जन समूहों से व्यवहार करती हैं, यह कथन किसका है? प्रोफेसर के बोल्डिंग का है, प्रोफेसर के बोल्डिंग का है कि सरकारें निश्चय ही जन समूहों से व्यवहार करती हैं, यह कथन प्रोफेसर जे के बोल्डिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन का, एक भारी निर्धारण वाला जहाज संतुलन में रहता है, प्रोफेसर पीकू द्वारा कहा गया है। एक भारी निर्धारण वाला जहाज संतुलन में रहता है, किसने कहा था? प्रोफेसर पीकू ने कहा था, वो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अंडा जो अपने एक सिरे पर संतुलित कर दिया गया है, बिल्कुल थोड़ा सा हिल जाने से गिर पड़ेगा और लंबाई के रुख लेट जाएगा, यह कथन निम्न में से समिष्टि, यह कथन समिष्टि संतुलन के विषय में किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? प्रोफेसर एज मार्शल ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें कौन सा पॉइंट याद करने वाला? अंडा, ठीक है, इसमें एक इस वाले पॉइंट को याद कर लेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसमें कौन थे, प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है कि जब आर्थिक संतुलन किन्हीं कारणों से भंग मतलब नष्ट हो जाता है तो परंतु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसे आर्थिक साम्य कहा जाता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया था? प्रोफेसर सीडिनर ने दिया था। किसने? प्रोफेसर सीडिनर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? आंशिक साम्य वह साम्य है जो सीमित आंकड़ों पर आधारित होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण किसी एक वस्तु की कीमत है, जबकि विश्लेषण काल में यह अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें यथा स्थिर मान ली जाती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर स्टीगलर का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्या है? सामान्य साम्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर स्टीगलर का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उस पर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्याले में पड़ी हुई तीन गेंदों का साम्य प्याला के आकार एवं गेंद के आकार पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि अन्य दो गेंदों की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो गेंदें दोनों कैसे हैं, यह मतलब यह कथन किसका है? प्रोफेसर बोल्डिंग का है, ऑप्शन नंबर ए ठीक करके आएंगे। इसमें याद करने वाले गेंद, ठीक है, गेंद को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अर्थशास्त्र अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से पुकारा जाते हैं? रोजगार एवं आय संबंधी सिद्धार्थ, रोजगार एवं आय संबंधी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके उनका सामूहिक रूप में अध्ययन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करके उनका सामूहिक रूप से अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि यह कथन किसका है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के सिद्धांत का वह भाग है जिसमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह कथन किसका है? प्रोफेसर जे आर हिक्स का है, किसका है? प्रोफेसर जे आर हिक्स का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
कि समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का या किस प्रोफेसर का या किस लेखक का है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सेवीरा का है। ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर सेवीरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं। उपयुक्त तो सभी हैं। मुद्दे में क्या क्या आते हैं? मुद्रा समिति व अवसमी स्फीति, व्यापार चक्र, रोजगार तथा आय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी विशेषता इसमें शामिल नहीं है? मुद्रा सिद्धांत। क्या है ये? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र से क्या नहीं संबंधित है? सहकारी से किसके संबंधित नहीं है? व्यापक अर्थशास्त्र सहकारी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समष्टि प्रावेगिक चरों की निरंतर गतियों का परिवर्तन की दर की विवेचना करती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया था? कुइहारा ने। किसने दिया था? कुइहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री का है? तो ऑप्शन नंबर बी चेबरल लेन का है। किसका है? चेबरल लेन का है। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी इसमें से सीमाएं शामिल नहीं है? व्यक्तिगत तथ्यों की विशेषीकरण। किस क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेष मतलब कौन सी सीमाएं सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिगत तथ्यों का विशेषीकरण करना, ये शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? तो इसमें से सभी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? सूक्ष्म अर्थशास्त्री के लिए उपयोगी है, ठीक है, मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है, माइक्रो। तो सार्वजनिक नीति का निर्धारण करने के लिए यह भी सहायक है। आर्थिक विकास का मापदंड निर्धारित करने के लिए। तो ये ऑप्शन तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समष्टि अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मतलब समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आय और रोजगार सिद्धांत, आय विश्लेषण, ए तथा बी दोनों। तो हम क्या लगाएंगे? तीनों लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र किन समस्याओं का अध्ययन करता है? उपयुक्त सभी समस्याओं का अध्ययन करता है। तो बेरोजगारी की भी अध्ययन करता है, मुद्रा स्फीति का अध्ययन करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी अध्ययन करता है। तो तीनों का अध्ययन करता है, तो तीनों को हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें ऑप्शन नंबर डी का चूज करना, मतलब डी को चुनना होगा, डी पर टिक करना होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जा सकता है, उपयुक्त तो सभी, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? उपयुक्त तो सभी अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? व्यक्तिगत परिवारों की, व्यक्तिगत फर्मों की, व्यक्तिगत उद्योगों की व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक प्रावेगिक पहले और बाद की घटनाओं के संबंध में आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करता है। यह कथन किस प्रोफेसर का है या किस लेखक का है? तो किसका है? बामल का, प्रोफेसर बामल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समष्टि अर्थशास्त्र की एक विषय वस्तु क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? कीमत निर्धारण करना। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि हम इसमें एक कीमत का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामूहिक अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। सामूहिक अर्थशास्त्र में सामूहिक मतलब क्या होता है कि सब मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, सामूहिक अर्थशास्त्र में, या एक तरह से मान लीजिए सामूहिक विवाह जो होता है उसे सामूहिक अर्थशास्त्र में अध्ययन क्या क्या किया जाता है? कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत तथा कुल निवेश, ठीक है, सामूहिक अर्थशास्त्र में ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक समष्टि भाव मात्राओं नहीं से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से व्यवहार करता है। व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमत से नहीं बल्कि कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि आय उत्पादन से संबंधित है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर जेके बोल्डिंग का है। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर से मिलते हैं। तो अभी आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, थ्योरी भी एग्ज़ाम, मतलब जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उसमें होने में अभी टाइम है। तो उसके लिए इस वीडियो को पहले से ही देखे रहेंगे तो आपको MCQ में टिक करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले तो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है 13 को है, तो आपको जो 13 को एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, तो उसको आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या तो एक तरह से कह सकते हैं आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। हाँ, हम पढ़े हैं, हम पेपर अच्छे से दे लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, बाय बाय।